क्लियरली प्रूव हुआ है। सो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि डायरेक्टली क्वेश्चन है मेरा, और उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगा तो आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट व्हाट यू वांट फ्रॉम योरसेल्फ, कि आपको क्या करना है, आप क्या चाहती हो आपके लाइफ में बनने के लिए, और वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, क्या बनना है और आप लाइफ के साथ लाइफ से क्या मांगती हो अभी इसी वक्त। कैन यू टेल मी? यस, ओके, वेरी गुड, यस, दिस कैन बी डन विथ प्रॉपर प्लानिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट यू वांटेड टू डू इन योर लाइफ, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। व्हेन यू आस्क द स्पेसिफिक थिंग, यू गेट द स्पेसिफिक आंसर। दिस देयरफॉर आई आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, यू आस्क दिस क्वेश्चन, यू जस्ट आस्क, गेट द पेन एंड पेपर आफ्टरवर्ड्स and you write down what I wanted in my life, in your core heart, not what people say about you. You ask yourself and you give the answer to yourself, very clear-cut answers. You just write it down and you, after that, your vision will be clear. So clarity of mind is very important. Whatever you wanted in your life, your clarity of mind is most important. So this is important aspects. Therefore, there is one important aspect, thoughts are not facts. So आप सोचते हैं कि मैं ये thinking कर रहा हूँ, मैं दूसरी तरह ये thinking कर रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, और आपको लगता है कि नहीं मेरी thinking proper है, लेकिन ऐसा नहीं होता। That is not facts. You are not your thoughts, you are not your emotions, you are not your body. And this is what in Buddhism the Heart Sutra says, कि you are not your body, you are not your mind, you are not your thought. So this is the basics of Smriti Samprajanya.